अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है 26 नवंबर सन 2024 और मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर। और आज हमारा मकसद है यहाँ पर रावलपिंडी से कराची कैंट तक सफ़र करना 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में, और वो भी थोड़ी देर में आने लगी है। और इंशाल्लाह आपको रावलपिंडी से लेकर कराची कैंट तक सफ़र दिखाएँगे। आज की लीडिंग पावर मारगला रेलवे स्टेशन से लेकर लाहौर तक GU204562 है और मेरे अकम में 108 डाउन का एम्प्टी रैक जा रहा है। तो इंशाल्लाह आप मिलते हैं आपको 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में। दोस्तों 3:22 हो रहे हैं और आज की हमारी ट्रेन आ चुकी है 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। जैसा कि आपको बताया था, आज उसकी लीड पर GU204562 है और लाहौर तक ये जाएगा। आगे से एक्सपेक्टेड पावर लाहौर से GU409052 है, जो कि उसको कराची तक लेके जाएगी। तो इंशाल्लाह कराची तक आपको ये ट्रैवल दिखाएंगे। इंशाल्लाह रश आप देख सकते हैं, रोड्स बंद होने की वजह से काफ़ी रश हो चुका है। दोस्तों लगेज लोड किया जा रहा है यहाँ से काफ़ी तादाद में ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में। दोस्तों 3:40 पर डिपार्चर आरम्भ हो गया है और 3:40 पर ही इसका शेड्यूल डिपार्चर है और रवाना होने लगी है ट्रेन यहाँ से। Thank you.
3:48 हो रहे हैं और ट्रेन अपना रावलपिंडी से चलने के बाद अगला स्टॉप कर रही है चकलाला रेलवे स्टेशन पर। तीन बज के 50 मिनट पर डिपार्चर कर रही है ट्रेन चकलाला से। Yeah.
दोस्तों 4:30 हो रहे हैं और ट्रेन लूप लाइन पकड़ी है गुंगरीला रेलवे स्टेशन की। होपफुली यहाँ पर क्रॉस होगा 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस के साथ।
4:45 हो रहे हैं और गुजर खान रेलवे स्टेशन से टू पास करने लगी है सिक्स डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस।
6:36 हो रहे हैं और ट्रेन लूप लाइन पकड़ने लगी है गुजरात रेलवे स्टेशन पर और 5 अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के साथ हो सकता है यहाँ पर क्रॉस रेंज हो जाएगी यानी कि सिस्टर ट्रेन
तो 8:56 हो रहे हैं और ट्रेन हमारी अप्रोच कर रही है लाहौर जंक्शन और काफ़ी लेट हो चुकी है ट्रेन इतनी स्लो है ट्रेन यार Thank you.
दोस्तों यहाँ पर हमारी ब्रेक मैन को काट दिया गया है और इसमें मज़ीद लाहौर कोटा की कोचिंग ऐड होंगी, फिर उसके बाद हमारा जो ब्रेक मैन होगी वो अटैच होगी GU40 के साथ, तो मुकम्मल ब्रेक तैयार हो जाएगा। दोस्तों कोच काट गया, अब इंजन हमारी ब्रेक मैन को आगे लेके जाएगा, फिर वहाँ से इसके साथ GU40 अटैच हो जाएगा और GU20 उतर जाएगा यहाँ से। लोकोमोटिव GU40 9052 अटैच हो चुका है, अब हमारी ब्रेक वैन के साथ बाकी के रैक के साथ जुड़ने जा रही है और मुकम्मल प्रेशर वगैरह चेक करने के बाद ट्रेन हमारी यहाँ से रवाना होगी।
कैप्चर सिग्नल हो चुका है और दावत से हम रवाना होने लगे हैं।